एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। ये देखिए, हमने पालक ले लिया है, उसको अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। आज हम बना रहे हैं पालक कॉर्न की सब्जी। ये देखिए, पालक को हमने प्लांच कर लिया है थोड़ा पानी डाल के, और मैंने इसमें 1/4 टीस्पून शुगर डालकर इसको प्लांच कर लिया है। शुगर इसलिए डाली है कि पालक का जो कलर है ना, वो बिल्कुल ग्रीन रहेगा। और फिर ठंडे पानी से इसको धो दिया है, तो अब इसको ग्राइंड करते हैं। तो हमने पालक का जो है वो पेस्ट बना लिया है। आप देखिए कितना सुंदर इसका कलर आया है, कितना अच्छा ये पिस गया है। तो जो हमने ब्लांच करते हुए पानी लिया था ना, उसको ही हम डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसको हमने बाउल में खाली कर लिया है। देखिए कितना अच्छा पेस्ट बनकर तैयार है। तो ये देखिए, हमने इसमें 2 टेबलस्पून घी डाल दिया है। मैं ये घी में बनाने वाली हूँ। गैस को ऑन कर दिया है, और जैसे ही घी गर्म होता है हम डालेंगे इसमें जीरा। 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, इसको भुनने देंगे। साथ ही साथ इसमें मैं 1 हरी मिर्च और 7-8 कलियां लहसुन की, ये कटी हुई डाल दूंगी। गैस को हमें स्लो रखना है, मीडियम फ्लेम पर ही हमें पकाना है। और जब भी कोई हरी सब्जी आप बनाएं, जैसे पत्तों की सब्जी बनाएं, उसको धोने का आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको जो है हमेशा सब्जियों को 2-3 बार अच्छे से धो के खुले पानी में तभी उसको पकाना है। इसके साथ साथ ही हम इसमें प्याज डालेंगे। पालक में मिट्टी लगी रहती है, तो पालक, धनिया, पुदीना, ये सब तो आपको स्पेशली पूरी बाल्टी पानी में या बड़े पतीले में आपको धोना है, ताकि जो आपकी सब्जी है वो खराब ना हो। ये देखिए, अब हमने इसमें इसको भुनने दिया है लहसुन को। साथ में इसमें मैं थोड़ा सा हींग डालने वाली हूँ। अब हमने इसमें प्याज जो है कटा हुआ वो डाल दिया है, और इसको हम भूनेंगे। प्याज भूनने के बाद हमने 1 चम्मच भर के बेसन डाला है, उसको अच्छे से भूनना है। 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है, रेड चिली पाउडर डाला है, नमक स्वाद के अनुसार। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 चम्मच किचन की, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप तक पहुंच सके। जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं डाल रही हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप प्लीज़ वहाँ जाकर जरूर चेक कीजिए अगर कोई मिस हो गया है तो। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, और इसको भी अच्छे से करेंगे मिक्स। बिल्कुल भी नीचे से लगा नहीं है, और अच्छे से जो है ये भुन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये 2 बारीक हमने चॉपर में काट लिए हैं टमाटर। 2 टमाटर डाल देंगे। आपको यहां अगर ज्यादा सूखा सूखा लग रहा है ना, तो इस समय आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। बहुत ही थोड़ा सा पानी डालिए ताकि ये जले नहीं, और जो टमाटर हैं हमारे वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसको पकने देते हैं। आप ढककर भी पका सकते हैं, टमाटर सॉफ्ट हो जाने चाहिए। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच ये ग्रेटेड अदरक, किसा हुआ अदरक, इसको बाद में ही डालिएगा। और ये टमाटर के साथ इसका ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो ये जलता भी नहीं है और तले में चिपकता भी नहीं है, और इस समय बहुत अच्छी खुशबू इसकी आती है। तो हमारे टमाटर जो है सॉफ्ट हो गए हैं, अदरक और हमारा 1 मिनट हम भूनेंगे, और फिर डालते हैं इसमें कॉर्न। 1 मिनट भूनने के बाद हमने इसमें ये उबले हुए कॉर्न, जिनको हमने स्ट्रेन कर लिया था, वो डाल देंगे। मैंने फ्रोजन इस्तेमाल किए हैं, आप फ्रेश भी ले सकते हैं जो आजकल बाजार में आ रहे हैं। इनको भी हम 1 मिनट के लिए ऐसे भूनेंगे। देखिए कितने बढ़िया ये लग रहे हैं, ये अच्छे से देखिए मसाला कितना अच्छा हो गया है। बेसन का आपको ध्यान रखना है कि जले ना,
बस उसकी खुशबू हल्की सी आने लगे और आप एकदम टमाटर डाल दें। और ये हमारी एक कप से ज्यादा पालक की प्योरी है, एक कप से थोड़ा ज्यादा है, उसको हम डाल देंगे। देखिए कितना सुंदर कलर है। तो एक तो हमने इसमें थोड़ी सी चीनी डाली है, शुगर डाली है ब्लांच करते हुए, बहुत मीठा नहीं होता है, वो निकल जाता है पानी। और फिर इसको ठंडे पानी से हमने धो लिया ताकि उसका जो कुकिंग टाइम है वो रुक जाए और पालक काला ना पड़े। अब देखिए, अब हम इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे। आप ढककर पका सकते हैं इसको। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो आइए चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी खुशबू, बहुत ही बढ़िया ये बनकर तैयार है। ये देखिए, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, घर का पिसा गरम मसाला है, अभी मैं 1 पिंच डाल रही हूं और बाकी मैं ऊपर से गार्निश करूंगी। तो ये हमारा पालक की सब्जी, कॉर्न पालक की सब्जी प्लेटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए हमारी यम्मी सी सब्जी, कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है। और ये हमने देसी घी में एक लाल मिर्च को, सूखी मिर्च को गार्निश करने के लिए रेडी कर लिया है। और ये देखिए बहुत यम्मी ये सब्जी लगने वाली है। ऊपर से हम 1 पिंच गरम मसाले से गार्निश करेंगे इसको। और जरूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।